साइलेंस ही एकमात्र ऐसी प्रैक्टिस है जो आत्मा को उसके प्रैक्टिस से परे के सत्य को क्लियरली विजिबल बना देती है Living being, untouched silence, constant silence. mind body see pareka silence क्योंकि इसी आत्मा की साइलेंस में जो सूक्ष्म सूक्ष्म फीलिंग्स हैं उसे अलग हो सकती है, है तो वो भी आत्मा के अंदर से ही बाहर आ रही पर फिर भी आत्मा उससे इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है ये देखने के लिए नोटिस करने के लिए ना परमात्मा की साइलेंस में जैसे समाई हुई रहती है बाबा का एक ही पर्पस है कि मैं अपने बच्चे आत्माओं के लिए एक बहुत क्लीन क्लियर दर्पण बेदाग दर्पण रह सकूं आत्माएं अपने उस एवर प्रेजेंट सत्य को अपने उस स्टिल सत्य को अपने उस साइलेंट सत्य को बिना मेहनत के जान सके sure मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो हुँ? तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज और साथ साथ विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं तो याद है बाबा ने आज मुरली में विश्व कल्याणकारी की क्या डेफिनेशन दी थी किस किस को याद है मैं चैट खोलती हूं विश्व कल्याणकारी की डेफिनेशन बाबा ने आज दी नहीं हम्म <laughs> hmm? बेहद की वृत्ति और बेहद की दृष्टि और बेहद की स्थिति हो ये आज बाबा ने बोला था विश्व कल्याणकारी की डेफिनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मुरली है ना याद है <laughs> नहीं <laughs> हम्म <नहीं? laughs> बेहद की स्थिति बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि जो बेहद की स्मृति से आएगी है ना तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि सितारे चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो बच्ची क्योंकि बच्चों का लक्ष्य है सूर्यवंशी का अर्थात सदा विजयी का नंबर वन सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती उदय होता है और अस्त होता है लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी और चंद्रवंशी की निशानी है चंद्र चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती कभी जीत होती कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त युद्ध करना अर्थात मेहनत करना युद्ध करना अर्थात मेहनत करना युद्ध और मेहनत में बाबा के लिए कोई फर्क नहीं है हम <laughs> युद्ध और मेहनत एक ही बात है चंद्र वंश की कलाएं एक रस नहीं होती इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ समान बनाओ मतलब दे आर टूगेदर सॉरी आर वन लक्ष्य एंड लक्षण इज वन इट्स नॉट लाइक मैं ये लक्ष्य रखूंगी फिर मैं उस लक्षण को अपना बनाना है उसके बाद में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी लक्ष्य एंड लक्षण इज वन तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में क्या फर्क है आत्मा इज लाइक अ सन राइट मून अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन से है ना पर सन को किसी की भी जरूरत नहीं होती अपनी लाइट को इमर्ज रखने के लिए सन इज सोर्स ऑफ लाइट बाबा बोल रहे हैं आप सोर्स ऑफ अपने ट्रुथ हो आई एम जस्ट अ मिरर आई एम नॉट गिविंग यू वॉट यू आर मैं परमात्मा की लाइट से नहीं शाइन हो रही हूं मतलब मैं परमात्मा मेरे ऊपर लाइट डाल रहा है आत्मा के ऊपर तो मैं दिख रही हूँ नहीं तो मैं दिखूंगी नहीं मैं तो मून हूं आई एम नॉट अ मून मैं चंद्रवंशी नहीं हूं है ना आई एम द सन विद द सुप्रीम सन एट द सेम लेवल बाइजेस्ट हो रहा है ये हो रहा है वेरी गुड वेरी गुड बहुत जरूरी है ये समझना सन और मून में बहुत बड़ा अंतर है उनकी अपनी कोई है ही नहीं वजूद ही नहीं है बाबा सिंह यू आर एक सूर्यवंशी एंड वो तब पता चलेगा जब आत्मा को ये पता है मैं हर मोमेंट में प्रेजेंट हूं एवर प्रेजेंट बीइंग हूं सन इज एवर प्रेजेंट गॉड इज एवर प्रेजेंट हम्म प्रेजेंट है मैं सन हूं जो इस अनुभव को इस सेकंड के अनुभव को प्रकाशित कर रही हूं प्रकाशित मैं आत्मा कर रही हूं मैं अगर आपको बोलती हूं हटा दो ये अनुभव हटा सकते हो नहीं हटा सकते आप क्योंकि आप एवर प्रेजेंट हैं आप होगे ही नहीं तो ये अनुभव पॉसिबल ही नहीं है रहना ही पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं कि आप हो नहीं आप हो नहीं तो ऐसा नहीं कि अनुभव होगा नहीं तो ये तो जैसे कि साथ साथ है एक भी मोमेंट इज इज इट पॉसिबल दैट यू आर नॉट देर पॉसिबल है कि आप हो ही नहीं एक सेकंड के लिए हट जाओ आप मत रहो आप पॉसिबल है <laughs> एक सेकंड के लिए बस हट जाओ थोड़ी देर नहीं रहो आप नहीं पॉसिबल एक सेकंड के लिए कॉन्शियसनेस थोड़ी देर कहीं और चली जाए कहीं और चली जाए जा सकती है <laughs> अरे इकबाल पॉसिबल ही नहीं है अमिताभ के बिना अमिताभ नहीं तो इकबाल नहीं <laughs> आ? चाहे इकबाल कितना भी रो रहा है कितना भी दुखी हो रहा है अपनी वाइफ से कितना भी अपने बच्चों के परेशान हो रहा है अमिताभ फॉर एवर प्रेजेंट फॉर एवर सुखी है, एवर उसको पता है मैं अलग हूं अमिताभ नहीं तो इकबाल नहीं चाहे तो रीनी कितनी भी दुखी हो रही है रीनी कितनी भी परेशान हो रही है एक थॉट है ये परेशानी एक थॉट है दुखी एक थॉट है मैं आत्मा जो फॉर एवर हैप्पीनेस। इसलिए एक रस स्थिति सूर्य समान कांस्टेंट, एक रस स्थिति है ना So that is why surya vanshi means may ever present constantly happy constantly peaceful constantly blissful constantly anand swarup constantly shakti swarup swadharma jiska shanti swadharma jiska prem wo constantly present hamesha <laughs> <laughs> present hume, अब चाहे सामने दुख के बादल आ जाएं अशांति के बादल आ जाएं कुछ भी आ जाए मेरा सत्य जो कांस्टेंट एक रस से स्टिल एकरस स्थिति है वो नहीं चेंज हो रही है ये दिख रहा है ये सूर्यवंशी है चंद्रवंशी माइंड बोले यस तो मैं मानू हां मैं सुखी हूं माइंड बोले नो तो मैं दुखी हूं तो माइंड को यस करने में लगाए पड़े हैं मेहनत कर रहे हैं माइंड यस बोले तो कि मैं सुखी हूं थॉट बोले हाँ मैं सुखी हूं तो मैं सुखी हूं थॉट बोले नहीं तुम सुखी नहीं हो अभी बहुत दुखी हो झूठ मत बोलो अपने आप से बहुत दुखी हो तुम अभी अच्छा ठीक है मैं दुखी हूं ये दोनों ही थॉट्स आत्मा नहीं है ये दोनों ही फीलिंग्स बॉडी में जो है वो आत्मा नहीं है इतनी अनटच्ड देखो अपने आप को तो फिर आपका अनहैप्पीनेस आपकी हैप्पीनेस कहीं जाए ये पॉसिबल है एक सेकंड के लिए भी आपकी हैप्पीनेस खत्म हो सकती है देन यू आर हैप्पी फॉर एवर सेकंड के लिए भी आप अनहैप्पी नहीं हो अनहैप्पीनेस मात्रम अविद्या यह सूर्यवंशी की निशानी चंद्रवंशी कभी सुखी कभी दुखी मतलब क्या हुआ आत्मा ही है चंद्रवंशी का पार्ट प्ले करने वाली भी कोई और बाहर से कोई दूसरा नहीं आया पर आत्मा अपने आप को कुछ और बिलीव करके चल रही है पर फिर भी उसका सत्य नहीं बदल रहा चाहे वो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो सत्य तो वही है फिर भी कांस्टेंट एक सत्य आत्मा का अवे फ्रॉम योर माइंड स्टेप अवे नो योर एक रस ट्रूथ पीछे हटें थोड़ा से और अपने एक रस सत्य को जाने बहुत नेचुरल है बहुत कितना भी कुछ भी आ रहा है यही तो हम अटेंशन रखना है जितना बाबा के साथ रहेंगे अपनी एक स्थिति सूर्यवंशी स्थिति नेचुरल लगने लगेगी और जब वो नेचुरल लगने लगेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी फीलिंग्स आपसे दूर हो जाएंगी तो अपना इतना इंटरेस्ट है बाबा में इतना इंटरेस्ट है बाबा में और अपने सत्य में बाबा में इंटरेस्ट मतलब अपने सत्य में इंटरेस्ट बाबा में इंटरेस्ट नहीं मतलब अपने सत्य में इंटरेस्ट नहीं मतलब थ बाबा मीन्स बींग इंटरेस्टेड इन योर ओन ट्रूथ है ना इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि सदा विजयी और विजयी का क्या मतलब है विक्ट्री का क्या मतलब है वॉट डज विजय मीन्स विजयी मीन्स क्योंकि एक तरफ है हार जीत एक तरफ है विजय तो विजय का मीनिंग क्या है हिंट तो दे दिया है आपको अवेयर mm ऑफ -hmm. mm -hmm. सदा माइंड में नहीं ऑलवेज कंबाइंड ऑलवेज इन सेल्फ ट्रूथ सदा निश्चय इन ट्रूथ और हैप्पी इन ऑल फेसेस मैं आत्मा अपने मन को चला सकूं चेंज मी चेंजलेस हम्म विजय मींस जिसको ना हार पता है क्या होती है न जीत पता है क्या होती है हार जीत से परे वो है विजय है ना ड्यूएलिटी ऑफ हार जीत उसको नहीं पता। पतावेज कंबाइंड विद बाबा भी समझना होता है नहीं तो फिर वो एक दूसरी कॉमेंट्री बन जाएगी है ना? तो आत्मा सदा विजय मतलब कैसी भी सेंसेशन हो बॉडी में कैसी भी फीलिंग हो माइंड में और बॉडी की सेंसेशन हो फीलिंग हो आत्मा बिल्कुल अपने उस एक स्थिति को सब कुछ करते हुए सब कुछ सुनते हुए सेंसेस को यूज करते हुए सेंस परसेप्शंस को यूज करते हुए सब कुछ एक एक सेकेंड बदल रहा है सब कुछ बदलते हुए माइंड बॉडी के लेवल पर भी आत्मा एकदम स्टिल और वो कैसे पता चलेगा आत्मा एकदम स्टिल और साइलेंट सिर्फ शब्द नहीं है ये कैसे पता चलेगा आप एकदम स्टिल और साइलेंट हैं अभी बताया था शुरू शुरू में कैसे पता चलेगा कि आप अनटच्ड हैं स्टिल है साइलेंट है अभी बताया था आज आज अभी इस क्लास में आई एम प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट इन फैक्ट एवरी मोमेंट प्रेजेंट है क्योंकि मैं हूं है मैं मैं नहीं तो टाइम नहीं मैं नहीं तो मोमेंट नहीं मैं नहीं तो ये सेकंड का फीलिंग भी नहीं बॉडी में मैं नहीं तो ये सेकंड का इमोशन भी नहीं मैं नहीं तो ये बाहर की दुनिया भी अपियर नहीं होने वाली कोई देखने वाला नहीं उसको मैं नहीं तो कुछ नहीं पेड़ होंगे जमीन होगी अर्थ होगा फाइव एलिमेंट्स होंगे पर अगर उसको देखने वाला ही नहीं है तो फिर कौन फिर क्या फायदा उसका है ना फिर माइंड अपनी लैंग्वेज लेके आता है एक एक चीज पे लेबल लगाता है, है ना फिर एक एक चीज पे लेबल लगाता है फिर ऐसा लगता है हाँ सब अलग अलग है इतनी वैरायटी है वैरायटी लैंग्वेज में है मैटर में वैरायटी नहीं है मैटर तो पांच तत्वों का सब बना हुआ है है ना तो इसलिए बाबा हमें ये कह रहे हैं सूर्य वंशी मतलब सदा विजयी सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती तो फिर कला कम और ज्यादा चंद्र की कैसे हो रही है चंद्र की कलाएं कम और ज्यादा कैसे हो रही है क्योंकि वो अपनी खुशी वो अपनी सक्सेस अपने मेंटल स्टेट से ढूंढता है और अपनी एक्टिविटी से ढूंढता है है ना मेंटल स्टेट और एक्टिविटी से ढूंढ रहा है फिजिकल एक्टिविटीज एंड मेंटल स्टेट्स, उसमें मैं खुशी ढूंढ रही हूं है ना कितना भारी बर्डन एज अ पर्सन आइडेंटिटी हम लेकर जाते हैं दूसरे रिश्तों में कितना भारी बर्डन दूसरे के ऊपर डाल देते हैं मुझे खुश करो मुझे संतुष्ट करो जबरदस्त भारी बर्डन डालते हैं नहीं और परमात्मा हमें क्या बोल रहा है <laughs> तभी तो रिश्ते बाहर भी हम देखें एट अ फिजिकल ग्रॉस लेवल पर भी बहुत स्थूल लेवल पर भी क्यों रिश्तों में खुशी नहीं है बर्डन डाल दिया सामने वाले के ऊपर मुझे सुख दो इम्पॉसिबल बर्डन है उस सामने वाली आत्मा के लिए उठा नहीं सकती वो बर्डन आपका <laughs> Can't. और जितना मैं अवेयरनेस अपने सत्य में हूं अपने उस सत्य में जो कि सदा है कभी क्या बाबा ने बोला कम ज्यादा नहीं है कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है तो उसके लिए सिर्फ माइंड थोड़े ना बोलेगा कम ज्यादा नहीं है माइंड तो काम ही सिर्फ जो चीजों का आदि और अंत है उसी के साथ काम कर सकता है इसीलिए तो हमको ये एक्सपीरियंस होता है वर्ल्ड का भी लिमिटेड कि, कि, एक्सपीरियंस किस किस चीज से होता है माइंड से माइंड के बिना लिमिटेड एक्सपीरियंसेस नहीं है तभी तो बाबा को भी माइंड को भी एक स्लाइटेस्ट पॉइंट देना पड़ता है उसको क्योंकि तो वो डायमेंशन के बिना काम नहीं कर सकता वो पॉइंट है जो कि क्लोजेस्ट टू डायमेंशनलेस स्थिति सिर्फ पॉइंट आ सकता है पॉइंट भी हटा दो तो माइंड को क्या बोलेगा वो तो पागल हो जाएगा समझ में नहीं आएगा उसको तो क्या देखूं क्या वो उसको समझ ही नहीं आएगा माइंड को तो अगर पॉइंट भी हटा दिया तो बट एक्चुअली सोल इज डायमेंशन लेस इन्फिनिट मीन्स डायमेंशन लेस हाँ जी इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं बच्चे जानो तुम हो कौन तुम वो लिविंग बीइंग हो जिसके अंदर सब कुछ है माइंड को तो मुझे तुमको देना पड़ता है नहीं तो तुम निकलोगे ही नहीं क्योंकि माइंड डायमेंशन टाइम और स्पेस के बिना नहीं काम कर सकता कर ही नहीं सकता वो इसे तुम अपने उस हद और उस सुख में मत फसो जो कि संस्कारों के वश हुआ सुख है तुम अपने उस सुख को जानो जो संस्कारों से परे का सुख है, है ना तो जितना तुम अपने उस संस्कारों से परे का सुख जानोगी हे आत्मा माइंड भी उसमें इमर्स्ड होता जाएगा फिर वो माइंड तुम्हारे साथ जाएगा सत्युग में तो इसीलिए तो बाबा तीन बिंदु तीन बिंदु बार बार बोलते हैं ताकि सारे संस्कारों से बाहर आ जाऊं सारी डायमेंशन से बाहर आ जाऊं सारे आ, लिमिटेशन से बाहर आ जाऊं मैं आ और कितना छोटा बनाएगा पॉइंट ही हटा देगा तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं है हमको समझ ही नहीं आएगा <laughs> पर माइंड भी तो मास्टर है ना अपनी जगह उसकी भी मास्टरी चलती वो पॉइंट को लेके बैठ जाता है पॉइंट को देखूंगी तो मैं पॉइंट आत्मा हूं नहीं तो मैं हुई नहीं जब तक वो विजुअल नहीं दिखे, तब तक तो लगता पता नहीं मैं हुई नहीं पॉइंट का विजुअल देखना कितना जरूरी हो जाता है सब हदों को पार कर लो आप सब हदों से पार चले जाओ और देखो ये सारी हदें आपके अंदर ही हैं। आप हदों को भी चलाने वाली बेहद की आत्मा हो इनफैक्ट हद और बेहद के जो संस्कार हैं उन सबसे परे वाली बेहद की आत्मा है ना तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्ची नंबर वन सूर्य वंशी की निशानी है सदा विजयी सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती उदय होता है और अस्त होता है लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती है और हम साकार मुरली में जब सुनते हैं तो क्या सुनते हैं चौदह कला सोलह कला बारह कला आठ कला और अव्यक्त मुरली में क्या सुन रहे हैं वो चंद्रवंशी की निशानी है डिफरेंस पता चल रहा है साकार और अव्यक्त में उसमें पुरुषार्थ इसमें परफेक्शन यहाँ बाबा बोल रहा है वो तो सूर्य चंद्रवंशी अब आप साकार मुरली पढ़ोगे ना तो देखना वो हमारे अंदर का चंद्रवंशी एस्पेक्ट बता रहा है माइंड का बाबा हम्म आत्मा की कलाएं कम हो सकती है बाबा मना कर रहे हैं यहां पे। प्लीज देखें टोटालिटी में टोटालिटी में है ना कुछ भी हो जाए आत्मा का स्वधर्म कुछ भी हो जाए वो चेंज हो नहीं सकता सदा मीन्स कॉन्स्टेंट हैपीनेस दैट इज यू आ जाए अब कोई भी जब तक वो भी आपको रेकग्नेशन नहीं होगा उस चीज का कि मैं मतलब नो कला हाँ पार्ट हो रहा है सोलह कला चौदाह कला बारह कला नो कला <laughs> पार्ट तो सब कुछ हो रहा है आत्मा नहीं हो रही है वो माइंड की कलाएं हैं है ना क्लियर तो मैं वापस पढ़ रही हूं सूर्य उदय होता है और अस्त होता है लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती ये एक एक अनुभव से पहचान बनाई हुई पता है हमने हमें पता ही नहीं चल रहा है कॉन्शियसली हम बैठ के बैठ, अभी भी इस सेकेंड भी बैठे हैं ना बनाकर बैठे हैं अपनी पहचान एवर तो प्रेजेंट आत्मा इस मोमेंट में देखो एक हमने पहले भी देखा था एक स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग के ऊपर रंग बिरंगी बीड्स है बहुत सारी तरह तरह की रंग बिरंगी हैं है हु? हर बीट का अपना एक अनुभव है लाल रंग पीला रंग हरा रंग नीला रंग काला रंग सब तरह तरह की बीड्स का अपना अपना एक अलग अलग अनुभव है पर जो उसके थ्रू जा रहा है उन बीड्स के थ्रू जो स्ट्रिंग जा रही है वो तो एक ही है ना हम्म तो आप कौन हो वो बीड़ हो अलग अलग रंग के अनुभवों की कौन हो आप एक रस स्ट्रिंग हो ना एक रस स्ट्रिंग हो आप हो तो सब एक्सपीरियंस को जोड़ रहे हो तो मैं हूं इसलिए हर सेकंड सेकंड का अनुभव जुड़कर कंटिन्यूअस लग रहा है पर एक्चुअल में कोई कंटिन्यूटी है नहीं अनुभवों में हर सेकंड न मिले दूसरे से तो ये अनुभव इस अनुभव से मैचिंग नहीं है <laughs> अलग अलग है तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं मैं कैसे पूरा टाइम बाबा को याद रखूं अपने सत्य में रहूं ये कौन पूछ रहा है बीड्स बीड <laughs> पूछ रही है मैं बाबा को और अपने सत्य को कैसे हाँ मन के अंदर जो कलरफुल बीड्स है वो अनुभव अलग अलग एक एक सेकंड का जो अलग अलग अनुभव है तभी तो बाबा बोलते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से क्यों बोल रहे हैं ताकि मैं अपने आप को पहचान पाऊं मैं अलग स्ट्रिंग और वो बीत जो है वो साथ साथ में चल रही है ना वो किस रूप में चल रही है संकल्पों के रूप में बीत जा रही है बॉडी की फीलिंग्स के रूप में बीत जा रही है संकल्प और बॉडी का स्वर बॉडी की फीलिंग्स ज्यादा तो पर्सन बॉडी की फीलिंग्स नहीं फंसा हुआ है पर्सन है ही बॉडी की फीलिंग से बना हुआ तो वो ये ये साथ साथ चल रहा है एक एक सेकंड का अनुभव तो जब मैं अपने आप को वो मानकर सोच पूछती हूं ना वो संकल्प का स्वरूप बन के वो फीलिंग का स्वरूप बन फिर ये फीलिंग और संकल्प का जो कंपाइलेशन है ना वो पूछता है मैं बाबा को कैसे कॉन्स्टेंटली याद करूं मैं कर्म करते हुए कैसे याद रखूं कौन पूछ रहा है ये जो सोच रहा है मैं कंटिन्यूअस हूं क्योंकि अनुभव से पहचान बनी हुई है बॉडी की फीलिंग सेंसेशन से पहचान बनी हुई है अपने वो स्ट्रिंग ने अपने आप को कुछ हुआ नहीं है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही रहेगी वो तो है ही स्ट्रिंग पर वो बीड बनकर पूछ रही है वो बीड कि मैं कैसे कंटिन्यू अरे वो कंटिन्यूस होगी कैसे वो तो अलग अलग रंग है एक एक सेकंड का अलग अलग अनुभव है वो हो नहीं सकती कंटिन्यूस तो आत्मा जितना मैं अपने उस स्वरूप को जानूंगी कि मैं प्रेजेंट एंड बिकॉज आई एम प्रेजेंट ये एक्सपीरियंस रियल फील हो रहा है अलाइव फील हो रहा फील हो रहा है गया ये सेकंड अभी एक्सपीरियंस रियल और अलाइव फील हो रहा है ये भी गया अभी एक्सपीरियंस अलाइव और रियल फील हो तो आप तो स्टिल ही रहे ना आप तो साइलेंटली स्टिल प्रेजेंट रहे ना आप कहाँ मूव हुए आप कहाँ चेंज हुए नहीं हुए आप चेंज आप कहा मूव हुए आप नहीं मूव हुए तो वो सत्य स्वरूप बाबा बोल रहे हैं वो है सूर्यवंशी सदा है ना नहीं तो युद्ध कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं इसलिए बाबा कहते हर एक बच्चा यही कहता बाप समान बनना है तो बाप तो सदा सहज विजयी स्वरूप है इसलिए बाबा बोलता है मुझे बिठा दो अब मुझे बैठा कर देखो कि क्या ये बॉडी की सेंसेशन मैं हूं इस सेकंड वाली बाबा बाबा को लग रहा ये तुम्हारी बॉडी की सेंसेशन मैं हूं बाबा को बिठा दो थोड़ा आप थोड़ी देर हट जाओ मतलब आपकी कोई सेपरेट वाली जो सेपरेशन की एक आइडेंटिटी बनाई हुई ना माइंड ने कि मैं ये अलग सेल्फ हूं उससे थोड़ा सा दूर हो जा। अब आप देखो मैं और बाबा कंबाइंड एक साथ ये जो संकल्पों से बनाया हुआ बॉडी की फीलिंग से बनाया हुआ एक इमेजिनरी सेल्फ बनाया हुआ है उसे थोड़ा सा अलग हो देखो बाबा ही बैठा है वहां मैं तो जैसे मेरी कोई अलग आइडेंटिटी है ही नहीं बाबा बैठा हुआ है वहां अब वो कैसे बॉडी की फीलिंग्स को फील कर रहा है वो कैसे माइंड की थॉट्स uh, को फील कर रहा है हर सेकंड के वो अनुभव को कैसे फील कर रहा है कैसे कर रहा है बाबा कैसे कर रहा है बाबा की कोख में बिल्कुल तो बाबा कैसे फील कर रहा है देखो हमारी बॉडी की सेंसेशंस अलग हो रही है सेकंड बाय सेकंड बाबा कैसे फील कर रहा है उसको जस्ट अनदर चेंज जस्ट अनदर चेंज एंड गॉन अनदर चेंज एंड गॉन अनदर चेंज एंड गॉन मैं एवर प्रेजेंट इसलिए बाबा को बैठा दो ये है कंबाइंड का मीनिंग है ना? सब चेंजफुल मैं और बाबा स्टिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु। स्टिल है तो अब बताओ क्या पांच हजार साल सूर्यवंशी चंद्रवंशी का पार्ट भी प्ले किया फर्क पड़ रहा है आत्मा को बिल्कुल तो भी नहीं उस उस जगह अपने आप को पहचानो तो फिर बाबा और मैं इक्वल है तो बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में तो मेहनत कम लगती है है ना? तो जो भी करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो चाहे बोल बोलते हो चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं क्या यह ब्रह्मा बाप समान है अब देखो वो आत्मा जो ब्रह्मा बाबा के पीछे है ना वो आत्मा अपने चेंजलेस फीलिंग्स में बाबा के साथ एक समान स्थित अब उनके आगे कितनी भी माइंड की फीलिंग्स आई होंगी कितने भी सिचुएशंस आई होंगी उसमें माइंड ने कितना भी रिएक्ट किया होगा कितना भी तूफान लाया होगा पर वो आत्मा उनसे मिक्स नहीं हुई यही पुरुषार्थ था बस उस आत्मा का उन चेंजिंग फीलिंग्स से वो आत्मा एक नहीं क्योंकि उसको अपनी फीलिंग वो बाबा की फीलिंग्स रियल लग रही थी वो मेरी है बाकी दूसरी मेरी है ही नहीं तो तूफान आ रहे हैं जा रहे हैं पर मैं कौन तो जितने आप सूक्ष्म होंगे बाबा कहते हैं तूफान भी सूक्ष्म होंगे मीनिंग क्या फिर बाहर के बड़े बड़े तूफान तो बड़ी बड़ी सिचुएशन तो कुछ लगती नहीं है आत्मा को फस्ती तो यहाँ छोटे छोटे अनुभवों में सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभवों में ज्ञान सुनकर तो बैंक को भी हैंडल कर लेती है आत्मा पाठ में है ना जैसे यहाँ पे कोई आ, किसी ने अनुभव शेयर किया कि वो पूरे बैंक हो गए फिर भी उनको कोई असर नहीं हुआ वो बड़ी बात नहीं है ब्राह्मण के लिए घर में आग लग रही है घर जल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बड़ी बात नहीं है ब्राह्मण आत्मा के लिए ये सिचुएशनल ज्ञान नहीं है ये कांस्टेंट अटेंशन वाला ज्ञान है सिचुएशन में मैंने कैसे हैंडल किया घर जल गया तो ओ मैं सो कॉन्शियस हो गई दैट इज नॉट सो कॉन्शियस है ना ये तो बहुत इजी हो जाता है बड़े बड़े सिचुएशंस तो आप आई फील पर्सनली जो मैंने देखा है कि वो हर एक आत्मा ब्राह्मण आत्मा कर लेती है उसको फेस ज्ञान से और कुछ नहीं तो ज्ञान से ही हो जाता है उसको ये जो मोमेंट बाय मोमेंट चल रहे हैं ना यहां पे फंसी पड़ी रहती साधारणता के अंदर ये <laughs> यहां जिसमें जीत पा ली ना जीत मतलब अपना सत्य पहचान लिया ना वो आत्मा विजयी है That is victory. अरे इसने तो ये भी देखा है आत्माओं में इतना पावर है ना ज्ञान का इतना पावर बाबा दे देता है कि पार्ट में अगर मान लीजिए जो हस्बैंड पार्ट प्ले कर रहा है वो धोखा भी दे रहा है पार्ट में तो भी बहुत स्ट्रांग है पता है आपको ब्राह्मण आत्मा है इतनी पावरफुल है ज्ञान से सिर्फ ज्ञान से और योग होगा तो फिर ये मोमेंट बाय मोमेंट वाला भी वो योग से जाएगा वो सिर्फ ज्ञान से नहीं जाएगा बहुत फर्क so इसलिए हम अनुभव भी शेयर करें बड़े बड़े अनुभव नॉट अ बिग डील जस्ट हाउ आर यू लिविंग मोमेंट बाय मोमेंट दैट इज वेयर रियल योग एंड सूर्य वंशी इन, है ना? हम्म, hmm. कांस्टेंसी, पूरी दिन में क्या मानकर मैं अपने आप को चल रही हूं आंखों से देख कौन रहा है कानों से सुन कौन रहा है मुख से बोल कौन रहा है देन यू आर अ योगी नहीं तो तब तक तो ज्ञानी ही है हम ठीक <laughs> है ज्ञान का अपना एक पावर है नो बडी कैन डिनाई दैट बाबा का ज्ञान इज अ वंडरफुल ज्ञान दैट इज वाई है ना बस थोड़ा हम और पढ़ ले नीचे का एक बाबा ने जो बोला है ना फरिश्ते समान मैं विश्व कल्याण का पढ़ूंगी पहले बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है तो बाबा ने कहा है फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान न देह भान न भिन्न भिन्न मेरे पन के रिश्ते हों फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म हद के सारे अनुभवों से जो रिश्ता बनाया हुआ है ना वो खत्म तो परमात्मा कह रहे हैं अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी में है विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो भावना नहीं हो मतलब वो मिक्स्ड ना हो आत्मा की भावना में क्योंकि आत्मा की भावना है बिल्कुल क्लीन प्रिस्टीन प्योर है उसमें कोई भी व्यर्थ भावना मिक्स ना हो कोई भी नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव की भी तो डेफिनेशन अलग है ना बाबा की डिक्शनरी में तो ह्यूमन नेगेटिविटी नहीं देखना हा क्या है बाबा की नेगेटिविटी की डेफिनेशन हां जी क्या है बाबा की नेगेटिव की डेफिनेशन देह से पहचान देह देखना मन के स्वरूप नहीं बन जाना हम्म mm बिल्कुल -hmm. पाठ को देखना नॉट ट्रू देभान से मिक्स्ड मन के संकल्प को मैं कहना देह भान देह अभिमान मैं लगाना नेगेटिव कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव इन नेचर इफ इट इज टेम्पररी एंड फ्लीटिंग जो चीज टेम्प्ररी है और फ्लीटिंग है एक अनुभव के रूप में अगर उसको मैंने मैं लगाया भले वो कितना भी पॉजिटिव है हुँ? बाबा के लिए मन ने आज अमृत वेले बहुत प्यार महसूस किया गाने सुन सुन के तो रोना ही आ रहा था अब वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव है <laughs> नेगेटिव अब जब तक वो रोना नहीं आए तब तक लगता है मैंने बाबा को अनुभव ही नहीं किया है जब तक वो बॉडी में झन झन वाली फीलिंग ना हो परमात्मा को प्यार की फीलिंग ही नहीं होता कि मैंने बाबा को फील किया है इट कैन ईजिली बिकम नेगेटिव जो पॉजिटिव लग रहा है वो नेगेटिव है आइडेंटिटी विद टेम्प्ररी एक्सपीरियंस कितना भी ब्लिसफुल है वो भी नेगेटिव है चेंजिंग एक्सपीरियंस के साथ पहचान बनाना नेगेटिविटी है वेरी गुड है ना बिल्कुल कोई भी अनुभव से पहचान बनाना नेगेटिविटी है पॉजिटिव हाँ, है सिर्फ बाप समान कांस्टेंट एक रस वो मैं हूं उसके ऊपर बहुत सारे आ रहे हैं रंग बिरंगी अनुभव मेरा ट्रूथ नहीं है उसमें सफेद रंग का भी अनुभव आ जाता है हाँ बीड में <laughs> पर वो भी आप नहीं है नॉट यू वो इतना ब्लेंड हो जाता है सफेद रंग सफेद स्ट्रिंग के साथ पता ही नहीं चल रहा और उस सफेद बीट से मैंने बोल दिया ये मेरा अनुभव है ये मैं हूं फिर लाल बीट पीछे बैठी है आने वाली है नेक्स्ट बीट लाल है हाँ जी बोलिए नम्रता भी थी और नीलम भी है हाँ जी इसी को बेहद कवे नीलम आप अनम्यूट नहीं है अभी ठीक है अभी आ रही है ना हाँ तो इसका मतलब है कि जब तो वो सो कॉल्ड गुड वाले थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई किया तो एक इच्छा जागृत हो गई कि ये बार बार हो जाए हाँ, और जब वो सो कॉल नेगेटिव के साथ किया तो ये इच्छा हो गई कि ये ना है, ये ना है, ये बाबा को दे दो ये ये कर दो ये छुटकारा पाने पानी तो फिर हाँ, हम तो हाँ, इच्छा में फस गए ना इच्छा मात्र तो खत्म ही हो गई बिल्कुल तो बिल्कुण। किसी के साथ भी आइडेंटिफाई जो है करना दैट इज नेगेटिविटी नेगेटिविटी है दैट इज वेस्ट एंड नेगेटिविटी इसीलिए कोई भी चेंजफुल एक्सपीरियंस कितना भी पॉजिटिव लग रहा है कितना भी पॉजिटिव

नहीं आत्मा तो बैठी नहीं है अभी आत्मा बैठी है पर कुछ और अपने आप को समझ कर बैठी है <laughs> थोड़ी और प्रैक्टिस करूँ साइलेंस मैं बैठती क्यों हूँ साइलेंस में ताकि थोड़ा मेरा सत्य अनुभव हो जाए तो फिर मैं बैठी नहीं हूँ मैं संकल्प का स्वरूप बन के बैठी हूँ ताकि अनुभव इंप्रूव हो जाए पहले यही लगता था ना कि हाय मुझे ये थॉट क्यों आ रहे हैं हाय मुझे फियर क्यों आ रहा है हाय मुझे जेलसी क्यों आ रही है नाउ वी फील कि आ रही है तो सामने से गुजर रही है मेरा क्या ले रही है ना वो फीलिंग आ रही है तो मेरे को क्या करना है ना इससे बिल्कुल इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट एक्चुअली इट्स हेल्पिंग इट्स हेल्पिंग अ लॉट एकदम शिफ्ट है टोटल शिफ्ट है एकदम टोटल शिफ्ट है बिल्कुल यस बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अब yeah. वो चाहना नहीं ना इच्छा इच्छा क्या क्या होती होती होता है <laughs> <में इच्छा> <laughs> है इसमें कि कि और जो yeah. पहले एक feeling होती थी ना कि हे भगवान ऐसा ना हो जाए या हे भगवान hmm. ऐसा हो जाए चाहे वो ट्रेन hmm. ही निकलने वाली है कि हे भगवान hmm. निकल <laughs> ना जाए बाबा ट्रेन को पकड़ के रखना मैं आपका बच्चा हूँ देखो हम ड्रामा को कैसे एक तरफ कहते हैं वो ड्रामा है एक तरफ कहते हैं मैं पकड़ लूं चेंज करो बाबा इसको चेंज आ, करो इसको चेंज करो बिल्कुल, बिल्कुल है ना तो वही चल रहा है प्रसाद चढ़ाने वाली कहानी अभी भी चल रही है कि मैं प्रसाद चढ़ा दूंगी ये हो जाए बिल्कुल है ना बिल्कुल दैट इज टोटली रॉन्ग टोटली रॉन्ग नो रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंट एट ऑल एवरी डे आई कीप ऑन टेलिंग माय सेल्फ नो रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस नहीं हां कैसा हो जाए हो जाए अगर होना है तो ऐसा ना हो पर मन ही कि मन रेजिस्ट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस भी ना आए <laughs> उसका भी रेजिस्टेंस नहीं।, <laughs> नहीं है <laughs> वो फिर इच्छा बढ़ जाएगी <laughs> इतनी रेजिस्टेंस लेस है आत्मा यस yes. इतनी न्यारी है और इतनी जब न्यारी हो गई तो प्यारी तो होनी ही है ऑफ कोर्स खुद के लिए एटलीस्ट तू दुनिया को तो पर दूसरा hmm. तो अपने आप वो तो नेचुरल फ्रेग्रेंस है मेरा वो तो स्प्रेड hmm. हो ही मैं कर नहीं रही हूँ जैसे उस दिन मंजू uh, ने शेयर किया था ना कि हमें पता ही नहीं चला गुस्सा कहाँ गया yes. हमने सोच के नहीं गायब किया वो अपने आप ही चला गया बिकॉज़ नाउ आई फील ये भी सीन ये भी सीन मेरा क्या लेना हा? देना दोनों से सो द फ्रॉम दैट डे ओनली अभी तो है ही नहीं मुझे पता ही नहीं कहाँ है बिल्कुल वो हमने किया नहीं है मैंने कोई हटाया नहीं है संस्कार <laughs> कि ट्या, ट्या, बैठ के मैंने उसको इरेज किया वो रबड़ से बैठ के उसको मैंने इरेज नहीं किया <laughs> वो अपने आप ही कहा गया मुझे पता भी नहीं कब गया कहा गया अपने आप ही मर्ज हो गए जस्ट टू नो हु आई उसमें सब अपने आप मर्ज हो गया क्योंकि इंटरेस्ट मेरा अपने उस सत्य में है जो कि चेंजलेस है है ना hmm. तो ये सत्य जब पता चल जाता है मेरा सत्य ही चेंजलेस है तो उसमें घमंड उसमें वो एरोगेंस uh, उसमें वो uh, कम में कम में ज्यादा दोनों ही मर्ज ह्यूमिलिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचर ऑफ द सोल ह्यूमिलिटी तो नेचर है आत्मा का स्वधर्म है ह्यूमिलिटी नम्रता उसमें हरेक एक ओपिनियन अलग हो सकती है आई एम टोटल नोइंग ईच वन इज एसेंस द सेम है एक्सप्रेशन हरेक का इतना ब्यूटिफुली यूनिक और डिफरेंट है अब किसी को ये पॉइंट ऑफ नॉलेज बिल्कुल नहीं समझ आएगा वो बोलेंगे कि नहीं बाबा ने बोला है पुरुषार्थ करने के लिए एक्चुअली yes. पुरुषार्थ ना करना पुरुषार्थ exactly. वो पुरुषार्थ से ही हटना पुरुषार्थ है पुरुषार्थ है पुरुषार्थ है yes. पुरुषार्थ यस yes. yes. वो कूट कूट के भरा है कि तुम्हें कुछ करना तो है एक्चुअली आई एम नॉट अ डूइंग करके आत्मा बनना है यस एवरी डे आई फील दिस कि इसको ना करना पुरुषार्थ है डूइंग करूं तो मैं आत्मा बनू ये बनू। इतना अंदर भरा हुआ है yes. कि निकालना इम्पॉसिबल है नहीं पॉसिबल हो गया जब 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 जागरत हो, आत्मा जब तक जागृत ना हो तब तक वो इम्पॉसिबल yes. माइंड के लिए वो डूइंग के परे जाना पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल है माइंड इज कॉट अप इन डूइंग उसको डूइंग के बोलो डूइंग मत करो बोलेगा क्या डूइंग मत कर वॉट डू मीन बाई डूइंग मत कर हाँ उसे पता नहीं है ना मैं क्या कर रहा हूँ पता ही नहीं ना पता ही नहीं <laughs> बिल्कुल नहीं पता एक्चुअली जब वो दोनों बातें करते हैं ना लगता है एक तो मैं हूँ इनमें से हाँ, खराब वाला कोई और अच्छे वाला मैं हूँ दोनों समझा रहे हैं हम आपस में बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक और नेचर है माइंड की शायद वो कलयुग में आके हो गई वो परमानेंट असंतुष्ट है हाँ, ना, फरेवर, फरेवर, तो वो मिनट किसी को देखेगा उसी वक्त कहेगा कि देख इसके पास है देखो ये कितनी सुंदर रही है इसका तो काम ही है लगा रहता भी माइंड की एक्टिविटी में ही रहता है पहले हम सोचते थे मैं असंतुष्ट हूँ नाउ आई फील मैं तो नहीं हूँ हो। हाँ, तो ये तो होता रहे हाँ और माइंड अपनी संतुष्टता ढूंढता है असंतुष्टता को खत्म करने की माइंड के ही एक संतुष्ट थॉट से असंतुष्टता को खत्म करना चाहता है हाँ उसको अच्छा हाँ। नहीं समझता हाँ बिल्कुल यही सारा लायक करता है पूरा ज्ञान यहाँ लायक करता है दोनों हम दोनों में फंस जाते हैं कि मैं तो ठीक करने वाली हूँ हाँ ये ठीक होने वाला है एक्चुअली मैं ना करने वाली ना होने वाली ना होने वाले मैं, मैं तो doing, तमाशा doing. देखने वाली हूँ तमाशा देख बिल्कुर, रही हूँ और अब तो मैं यही समझती हूँ कि तमाशा हो रहा है, सामने तमाशा हो रहा है। एक चैनल दो कर रहा है। बंदर तो आपस में लड़ रहे हैं दो संकम दो बंदर लड़ रहे एक बंदर है अच्छा वाला हैप्पी बंदर और एक बंदर है थोड़ा सा असंतुष्ट बंदर दो बंदर आपस में लड़ते रहते हैं परमानेंट असंतुष्ट है अब तो बहुत मुझे सुख मिलता है उसको देख के कि ये तो तुम परमानें असंतुष्ट है ना ये तो असंतुष्ट रहेगा पहले मैं सोचती थी, थी मैं हाय नहीं नहीं नहीं, नही, मैं असंतुष्ट हूँ मुझे क्या तो फर्क पड़ता है कोई कैसा है यस ये मैंने फसाया बिल्कुल पक्का और ये है इतना संतुष्ट है छोटी छोटी चीजों को देख के ये कहने लग जाता है कि मेरे पास क्यों नहीं है मेरे पास क्यों नहीं है मैं क्यों नहीं दिखता मैंने आज अच्छी क्लास नहीं की मैंने आज ठीक से बताया नहीं मैंने हाँ गलत मैंने ठीक से नहीं ये तो सेवा की फिर परमानेंट बहुत परमानेंट फीलिंग है फीलिंग है <laughs> मन की कभी संतुष्ट आ, होता ही नहीं होता ही नहीं, नहीं।, 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 नहीं। <laughs> ये है कलयुग जो इसके अंदर घुसा हुआ है ये बिल्कु, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए मैं आज उस असंतुष्टता की फीलिंग से भी संतुष्ट संतुष्ट बिल्कुल मैं सदैव मैं कांस्टेंट संतुष्टता उसके ऊपर एक बी डाई संतुष्टता की मन के एक संकल्प से एक बी डाई असंतुष्टता की मन के संकल्प से ये तो चेंज होते जाएंगे कभी, कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस बैकग्राउंड दो बंदरों को आपस में आर्ग्यू करते हुए देख रही है उसके बाल खींच रहा है तो एक उसके कान खींच रहा दोनों आपस में लड़ते रहते फील कि ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन कर्म में नहीं होता आप देखते जाते हो कर्म में नहीं आता, हाँ, आता। संकल्प चलेंगे नहीं। ये चलेंगे वो हाँ, चलेंगे चल बिल्कुल नहीं, 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 नहीं आएगा इसलिए तो हम बोलते कर्म में तो बहुत रेयरली वो भी कैसे एक शब्द में आ गया शब्द हाँ मुश्किल से निकल गया बाकी आता कर्म में इवन दैट टाइम यू नो द अदर पर्सन इज नॉन मेरे से हुआ हाँ, है जो भी आप हुआ, हुआ है चुप हो जाते हो तो चुप चुप तेरी अंदर अपनी चेकिंग करते हो मन क्या कर रहा है उसके yes. नीचे बंदर क्या कर रहे हैं अंदर यस yes. हाँ एक डाली से दूसरी डाली mm. में भाग रहा है इधर से उधर इधर से उधर भागता है पर मैं कौन जो उसको देख रही हूँ तो बीटे नम्रता स्पष्ट है नम्रता है ना हाँ अनम्यूट कर रहे हैं om shanti आवाज़ क्या है नहीं आ रही है थोड़ा दूर से नम्रता सिस्टर अब क्लियर है दीदी हाँ अब क्लियर है ओम शांति ओम शांति दीदी अब थोड़ा आप आंसर थोड़ा लाउडली देना हाँ अब मुझे क्लियर नहीं आ रही है अच्छा, अच्छा। दीदी देखो <laughs> आत्मा तीन दिन से आपसे बात भी कर रही है और बता भी रही है कि हाँ बिल्कुल माया भी आ रही है ये परख भी रही है बिल्कुल उड़ रही है फरिश्तों के जैसे पर पार्ट में जस्ट कि हाँ प्लीज टिफिन है ना थोड़ा लेट लेने आना मुझे पहले मैसेज करना इतनी सी बात है। इतनी सी बात में बिना कॉल किए आ गए मैंने जस्ट एक कॉल किया क्या कि आपको बोला तो सही कॉल करके आना हाँ मुझे टिफिन नहीं चाहिए मैंने ठीक है नहीं तो नहीं हाँ ये क्या हो गया इतनी सी बात है पर अंदर चेकिंग चालू है कि नहीं करना चाहती है, पर होता जा रहा है दिख भी रहा है एक्ट में क्यों आ रहा है मम्मी बोल रहे ठीक है आप चेंज कर लो उसको बाद में बुला लेंगे टिफिन मार फिर बच्चा एग्जाम्स चालू है फाइनल मैं खेलने जा रहा हूँ इसलिए खेलने मैंने ये सब नकली को क्यों असली समझ रही है समझ नहीं रहा है तो ये पहचान भी रही है कि ये सब माया है पर फिर भी फंस रही है और देख भी रही है और एक्शन में भी आ रही है तो दीदी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये स्क्रिप्टेड था इसीलिए आ रहा था कि इसकी कुछ मिसिंग हो रही थी कि पहचान नहीं पा रही थी दीदी हम्म हम्म कहा अमिताभ बच्चन यही है ना सॉरी फिनिश करें आप अभी आपने कहा ना दो बंदर आपस में ही लड़ते हैं है ना तो ये देख भी रही है दोनों को वो समझ भी रही है कि मैं विटनेस हूँ ये भी क्लियर हो रहा है बट एक्शन में आ रही है बिल्कुल प्रेशर से मतलब जो ठोस नहीं है उस पे चोट लग रही है तो वो फील होती है और ये कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे तो भी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है नहीं आप समझ नहीं रही आप मैंने कॉल किया था बताया था मैं ऐसे लग रहा था मैं पहचान भी तो रही हूँ दिख भी रही है फिर फंस क्यों रही हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम देखते हैं अमिताभ बच्चन इकबाल का पार्ट प्ले कर रहा है ना इकबाल उसका कैरेक्टर का नाम है और उस कैरेक्टर के कई रोल्स हैं है ना जैसे कूली पेरेंट हस्बैंड सन फ्रेंड सारे रोल्स हैं राइट अब क्या हुआ उसने वो कूली मूवी थोड़े पांच साल शूटिंग कर ली है उसकी हुँ? पांच साल शूटिंग कर ली है तो वो अपने आप को बिल्कुल क्या समझने लगा है इकबाल हूँ मैं अब चाहे वो इकबाल समझ कर साल शूटिंग में इतना वो रोल में खो भी गया है अपने इकबाल स्वरूप में उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी में इतना खो भी गया है फिर भी क्या अमिताभ की रियलिटी और ट्रुथ चेंज हो रही है वो दिख रहा है ना दिख वो तो समझ रहा है पर सफर हाँ, नहीं इतना सफर हो रहा है हाँ पर अब क्योंकि वो इतना इमर्स्ड हो गया है तो डायरेक्टर ने उसको बोला है कि देखो तुम डायरेक्टर के पास वो जाता है जैसे शूटिंग खत्म होती डायरेक्टर के पास वो जाता है और डायरेक्टर को वो बोलता है मुझे ये कुली का जॉब नहीं करना तो डायरेक्टर बोलता है तुम कभी कुली थे ही नहीं तो वो बोलता है कि कैसे नहीं मैंने तो लगेज भी उठाया है मैंने तो कस्टमर्स को भी बुलाया है उनसे सॉलिसिट भी किया है बिजनेस तो मैं कैसे कूली नहीं सब कुछ किया है मैंने वो बोलता है नहीं वो स्क्रिप्ट के अनुसार तुमने किया पर वो तुम्हारा सत्य नहीं था तुम कभी कूली थे नहीं भरी तुमने वो एक्ट भी परफॉर्म किया पर तुम कूली नहीं थे हम्म तो हो सकता है कि ऐसे कब और मैं आपको अभी भी गारंटी दे सकती हूँ सोल बिहाइंड नम्रता आप जो एक्शन में आ रहे हैं ना एक तो बहुत सूक्ष्म में आ रहे होंगे और पहले से बहुत कम आ रहे होंगे ये भी हा, है हा, आ, देखो, देखो। ये है और हटते जा रहे अन हटते जा रहे है ना हाँ दिस इज वॉट नीड्स टू बी सीन कि अब देखो आपके एक्शन में तो हंड्रेड परसेंट आप बोल रहे हैं, पहले से बहुत कम है वो जो अभी थोड़े थोड़े और बचे हुए हैं अब वो इसलिए बचे हुए हैं ये देखने के लिए कि आप अपने आप को चाहे आपने कूली का लगेज भी उठाया कॉस्ट्यूम भी पहना कूली के जैसे बात भी की कूली की फीलिंग्स को भी अपना बनाया उसके परिवार को भी अपना बनाया उसके दुख को भी अपना बनाया उसके सुख को भी अपना बनाया अब वो कभी कभी फील होकर एक्शन में आ भी रहा है तो क्या आप उस एक्शन से भी परे हो ये चेकिंग के लिए या कभी कभी मान लीजिए हाँ उस एक्शन से आइडेंटिटी बन रही है थॉट और फीलिंग से तो आप हट रहे हैं पर एक्शन में जब कभी कभी आ रहा है तो उससे अभी तक आइडेंटिटी है तो ये टेस्ट है एक तरह से ये देखने के लिए कि अभी आपको वापस वो मूवी के सेट पे जाना है और कूली का पार्ट भी प्ले करना है हम्म इकबाल बनके के कूली का पार्ट भी प्ले करना है अब आप साक्षी हो के प्ले कर सकते हो उस लगेज को उठा सकते हो तो कभी एक्ट में आ भी गया मान लीजिए कभी कितना क्विकली बाहर आती हो दीदी फील हो रहा था बाहर ही फील हो रहा है मैं बाहर ही हूँ तो अब ये एक्शन धीरे 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 कितना कम हुआ होगा पहले से बताएं तो पूरा घर छोड़ के नीचे ऊपर जाके बाबा के रूम में बैठ गई बिना बताए मैंने प्लीज आवाज देना नहीं किसी को बताया ही नहीं जब आधा घंटा एकदम साइलेंटली बैठ गई तब तो जाके कंफर्टेबल एडमिट होना हाँ तो ये जो डिस्कम्फर्ट भी था उसको भी साक्षी होके कौन देख रहा था कहा फंस रही थी कहाँ निकल रही थी आप आइडेंटिटी कहीं ना कहीं फिर भी डिसकंफर्ट से एक्शन से उसकी फीलिंग का जो रेजिड्यू था उससे कहीं ना कहीं बनाई हुई थी अच्छा ऐसे लकीर समान बात जिसे लकीर समान जो बाबा बोलते है ना उस लकीर से कहीं हम आइडेंटिटी बना कर बैठे हुए थे वो अच्छा नहीं लग रहा था वो मैंने ऐसा क्यों किया अरे मैंने कौन नेक्स्ट सेकंड में कौन बाहर आया ये पहचान नहीं पा रही थी ना दीदी आंसर ऐसे लग रहा था मायामन दामन बन के खड़ा है वही बोल रहा है वही नहीं बोल रहा है क्या हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना तो क्या होता है ना स्पेशली जब एक्शन में आता है इतना कम हुआ है पहले से आप बोल रहे हंड्रेड परसेंट कम हुआ है बिल्कुल लिटरली लाइक like नहीं के बराबर तो वो कभी थोड़ा सा भी अब आ रहा है शब्द बोले आपने सिर्फ मुंह से हाँ थोड़ा सा भी आ रहा है वो सहन नहीं हो रहा है आप स्पिरिचुअल ईगो को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है वो भी बंदर ही है <laughs> वो भी बंदर ही है स्पिरिचुअल ईगो जो डिससेटिस्फाइड है से, अकॉर्डिंग टू हु टू फेलियर है स्पिरिचुअल ईगो क्लियर करें ये स्पिरिचुअल ईगो मैंने शब्दों में ले आई मैंने ऐसे बोल दिया मैं इतनी वो गॉड की बच्ची और मैंने ऐसे बोल दिया ये भी ह्यूमिलिटी नम्रता सिखाएगी नम्रता को <laughs> पीछे वाली आर तो। मर, मर नम्रता मर मर गोल्डन चांस है निका, 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 तो जा रही समझ ही नहीं आ रहा था आ, ये जो एक्शन अभी आया है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है आत्मा को नम्रता देखने के लिए अपनी ओरिजिनल इटर्नल कांस्टेंट नम्रता को कि क्या मैंने एक्शन से अपनी पहचान बनाई है इकबाल बहुत दुखी हो रहा है अपने बच्चों के फेलियर को देख के इकबाल बहुत दुखी हो रहा है अमिताभ के लिए पॉसिबिलिटी है दुखी होने के लिए no. अमिताभ दुखी हो ही नहीं सकता उसको वो अकबाल का दुख टच कर नहीं सकता नहीं। हाँ वो उसका सत्य वो अमिताभ है वो इकबाल बन नहीं सकता कभी कुछ भी कर ले वो उसका सत्य अनटच्ड है वो सत्य में इकबाल का दुख सुख हो फर्क नहीं पड़ता आत्मा आत्मा इज फॉर एवर है दीदी काश आप ये एक लाइन बाबा की नजर से देखें आप अब आप आत्मा नहीं बाबा को बिठाए आत्मा ने देखा कि नम्रता ने ऐसे बोला अरे एग्जाम चल रहे हैं खेलने जाओगे हम्म आत्मा बाबा क्या देख रहा है उस वक्त भी अनम्यूट हो रहे हैं? हाँ बाबा क्या देख रहे यहाँ नहीं समझ रहा था बाबा कि... हाँ बाबा किसको देख रहा है बाबा जानता भी है नम्रता को क्योंकि वो इमेजिनरी है ही डजेंट नो नम्रता बाबा किसको देख रहा है बाबा को आपके संकल्प के शब्द भी समझ में आए नहीं नहीं तो उसके लिए वो थॉट्स भी आपको इसकी body की sensations जो feel हुई वो भी समझ में आई बाबा को नहीं। नहीं। तो बाबा को कौन दिख रहा था उस वक्त भी वो जो कंटिन्यूस है कौन कंटिन्यूअस है बाबा के लिए साइलेंट पॉइंट साइलेंट पॉइंट पर हमने क्या सोचा जिसने जो एक्शन में आया वो मैं हूं फिर जिसने एक्शन को ठीक कर डिसकंटेन्टमेंट असंतुष्टता रही उस एक्शन से वो मैं हूं फिर मैं जाके साइलेंस में बैठी वो मैं हूं फिर जो साइलेंस से बाहर थोड़ी संतुष्ट निकली वो मैं हूं वो कुछ भी आप नहीं हो बाबा के लिए <laughs> कुछ भी नहीं हो आप पर उस सबको अनुभव करने वाली कौन वो लिविंग प्रेजेंस उन सब अनुभवों में आप थे एक एक अनुभव में आप थे पर एक भी अनुभव आप नहीं थे बाबा उसको देख रहा है, जो संतुष्ट था जो असंतुष्ट था जो कि साइलेंस में बैठा फिर साइलेंस में आकर फिर थोड़ा और संतुष्ट फील किया सारे अनुभव अलग अलग है एक भी सेकंड ना मिले दूसरे से मिला क्या एक भी सेकंड दूसरे सेकंड से मिला हाँ ये अनम्यूट नहीं हो रहा शायद या फ्रीज हो गए हैं अमृत फ्रीज हो गए शायद है ना सब कुछ किया अब, अब, अब बोले दीदी मीन्स ये कंटिन्यूस सीन को कंटिन्यू समझ रही थी इसलिए आप हाँ आप ये चेंजिंग एक्सपीरियंस इतने मैं हम तभी तो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिचुएशंस कोई बड़ी बात नहीं है ये जो होते हैं ना कंटिन्यूटी में मैं कौन हूँ कंटिन्यूअस बीइंग और ये अनुभवों को कंटिन्यूस मान के चल रही हूँ अनुभव से पहचान बनाती जा रही थी अनुभव से पहचान बनाती जा रही हूँ तो मैं वो हो गई जो कि पहले एक्शन में आई बोला शब्दों में तो मैं शब्दावली वाली शब्द वाली पर्सन हो गई फिर उसको रिग्रेट करने, करने वाली पर्सन फिर उसको क्वेश्चन करने वाली पर्सन हो गई फिर उस क्वेश्चन को साइलेंट करने वाली पर्सन हो गई फिर उस साइलेंट करने वाली पर्सन के बाद में उसके संतुष्ट होने वाली पर्सन हो गई नहीं नहीं विटनेस तो। <laughs> मैं, मैं आत्मा सब ये 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 ये, ये होती गई पर कंटिन्यूस कौन था जो कि एवर प्रेजेंट था वो मैं थी बट बोलेंगे, भी भी बोलेंगे भी। अगर है, तो वो अनुभवों से बस अगर एक अनुभव से पहचान नहीं बनाएंगे तो सेकंड वाला आएगा नहीं एक्शन में क्योंकि एक से बनी तो सेकंड भी एक्शन में आया मान लीजिए सेकंड भी आया तो सेकंड से भी पहचान बनी तो थर्ड भी आया थर्ड भी आया तो फोर्थ भी आया You are not, you are experiencing the changing person. आप चेंजिंग पर्सन को अनुभव कर रहे हैं पर आप कौन बार बार उस अनचेंजिंग सत्य में आना है आपको तो दीदी देख रही है पर अनुभव को मैं लगा रही थी इसलिए अनुभव को मैं लगा रही हूँ बस यही डिफरेंस इसीलिए वो कंटिन्यूअस होता गया वो कंटिन्यूअस लग रहा है ओके okay, वो एक आप अभी देखे, आपका कुछ भी चेंज हुआ आपने शब्दों को भी अनुभव किया आप आत्मा ने फीलिंग बॉडी में एक पर्सन की फीलिंग फील feel हुई कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया ये बार बार मेरे लिए एक्शन में क्यों ये फीलिंग को भी आपने अनुभव किया।, किया हाँ बिल्कुल अच्छा अब आपने उसको साइलेंस रूम में भी जाके बिठाया बॉडी को माइंड को उसको भी आपने अनुभव किया आप चेंज नहीं कर पाई हाँ कर्म में नहीं कर पाई बोल ही रही थी ऐसे लग रहा था मन बोल है थे क्योंकि तो हाँ। नहीं हो रहा था फीलिंग तो क्या हाँ। पता ये बॉडी में रही थी बॉडी में ढूंढते हैं हम ज्यादा सबसे ज्यादा बॉडी की सेंसेशंस में आत्मा अपने आप को ढूंढती है हाँ, लगे। ये जाए ये चेंज okay. हो हाँ, ये फीलिंग बदले इसलिए साइलेंस में बैठते हैं तो साइलेंस में अभी तक मैं सही तरीके से नहीं बैठी मैं साइलेंस में बैठी हूँ देखने के लिए जो भी अनुभव आ रहा है फुल एक्सेप्ट मेरा नेचर है मैं एक्सेप्ट कर नहीं रही हूँ जो भी अनुभव आ रहे हैं आने दो जा रहे हैं जाने दो मैं कौन तो थोड़ी देर बैठ भी गए मान लीजिए बैठने का भी एक अनुभव है टेम्प्ररी है ये भी मैं कौन जो चलते बॉडी के चलन को भी अनुभव कर रही थी बॉडी के मुख से शब्दों को भी अनुभव कर रही थी बॉडी के बैठने को भी अनुभव कर रही हूं वो लिविंग साइलेंट विटनेस वो सूर्य बनी है, है यही पे हम एक्चुअली में हम सब फंसे हुए हैं यहीं पर इस अनुभव ये आपने उस दिन कमेंट्री में अनुभव कहा था ना ये कुछ स्पेशल ढूंढ रही थी क्योंकि आ, ये क्योंकि ये अनुभव वर्ड सुनते ही हम स्पेशल हमारा माइंड ढूंढने लग जाता है इसको लगा कुछ मेडिटेशन में अनुभव आते हैं ना उस अनुभव से पहचान नहीं आ, ये अनुभव ये बोली गई अनुभव तो सेकंड बाय सेकंड ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा का एक सेकंड ना मिले दूसरे से जिसने इसको गहराई में समझ लिया वो दादी का आपने एग्जाम्पल दिया था कि दादी को दीदी ने पूछा कि दादी आपने उस पर गुस्सा किया तो दादी ने रिप्लाई दिया आपको अभी तक याद है इसको वो भी याद आ रहा है तो निकलती भी जा रही कि नहीं लेट गोबिंदी हो गया सब हो गया पर फंसती भी जा रही थी ये समझ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल इसीलिए तो टॉकेटिव माइंड में फंसना ही नहीं है यू आर आपके पास शब्द नहीं इसलिए मैं बाबा को बिठा देती मैं तो तो आप बैठे हो हो अब आपको तो ये body की क्या sensations feel हो रही है इसमें तो आप मुझे ढूंढ नहीं रहे हो तो बॉडी चाहे फील हो रही हो या लाइट फील हो रही है बाबा को क्या फर्क पड़ता है तो मुझे भी नहीं पड़ता है <laughs> ऐसे लग रहा था मुझे मुझे कुछ बांध निकालूं पर वो निकल रहा है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल शब्दों से भी पहचान है हमारी बनाई है ना इमोशन से फीलिंग से ये बॉडी के तो सबसे ज्यादा पकड़ के बैठी हुई सबसे ज्यादा ओके थैंक यू थैंक यू दिस इज वेरी यूजफुल हाँ ये सबके लिए यूजफुल हो जाता है तो बहुत ज्यादा हाँ <laughs> <laughs> uh, ये इच्छा मात्रम मा विद्या आत्मा जीरो जो इस हैप्पीनेस मींस टोटल मेक ऑफ अनुभव जैसे भी है परफेक्ट दिस इज ट्रू हैप्पीनेस कैन वी टेक वन मोर आत्मा हूं बट uh, सब याद है हाँ बच्चे तीन बजे सोए अभी तो उठे नहीं है मम्मी तो समझती नहीं है जल्दी आ जाती है इनको तो टिफिन के लिए कॉल भी नहीं करना है ऐसे सब अगर मैं थाँग लगूंगी तो पर्सनल कंटिन्यूस लगेगा इसीलिए तो ये कांस्टेंट बाबा जब बोल रहे हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से मतलब ये ये जो पर्सनल थॉट मेड इमेजिनरी हद की ये बॉडी माइंड कॉम्बिनेशन है मैं पर्सन भी नहीं बोलना चाहती नहीं तो फिर हम उस वर्ड में फंस जाते हैं <laughs> ये जो अनुभव है ये जो अनुभव है ये कंटिन्यूस फील होता है हमें पर में रियली really कंटिन्यूस है नहीं पर ये लेबल लगा दिया उसके बैनर के अंडर सारे अनुभव आते हैं फिर वो अनुभव कंटिन्यूस लगते हैं फिर लगता है वो मेरा पास्ट है और ये मेरा फ्यूचर है इस नाम के लेबल के बैनर के नीचे सारे अनुभव एक जुट हो जाते हैं फिर उन अनुभवों का पास्ट और फ्यूचर होता है फिर हम मेमोरीज को यूज करते हैं अच्छा फील करने के लिए या बुरा फील करने के लिए या फ्यूचर को यूज करते हैं अच्छा थॉट के फ्यूचर को फ्यूचर थॉट के रूप में आता है ना इसी मोमेंट में उसको यूज करते हैं अच्छा या बुरा फील करने के? इतनी एडिक्टेड है माइंड के माइंड जी रहा है आज जीवन आत्मा नहीं जीती है इट्स ऑलरेडी माइंड एक्टिवेटेड नेक्स्ट टाइम कौन सा नेक्स्ट टाइम मैं मोमेंट में रियल नाउ में हूँ की प्रैक्टिस बताओ कि आगे ये ना हो मैच ये ना हो प्रैक्टिस बताओ प्रैक्टिस बताओ वेरी <laughs> गुड देखो आप खुद कैच कर रही हो आदमी एक एक संकल्प फ्यूचर क्रिएट कर रही हाँ, तो आदमी समझा हाँ। भी नहीं और को भी नहीं समझाए हाँ। जो पार्ट में दी और बोल यही रही है कि हाँ सब आत्मा बिल्कुर, है बिल्कुल 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 है ना वंडरफुल हम कैन वी टेक वन लास्ट या वन लास्ट सुमन चौहान ओम शांति दीदी शांति दीदी अब परमधाम में जब आत्मा है तो वहां तो वो बाबा के प्यार को एक्सपीरियंस कर नहीं सकती ना तो यहां अगर वो शरीर में के द्वारा सेंसेशन से या मन के खुशी से उसको अनुभव कर रही है तो उसमें क्या कुछ गलत तो नहीं आत्मा आत्मा ने कर, करने ही तो आई है आत्मा पार्ट में अब बाबा को तो अभी एक्सपीरियंस करना है Anubhav तो अनुभव कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैं ये अनुभव हूं ये प्रॉब्लम है तो वो जो मेडिटेशन में हम अच्छा अच्छा अनुभव कर रहे हैं बहुत तो अच्छा तो, पासिंग, तो बाबा पासिंग अनुभव okay. पासिंग इट्स ओके इट्स जस्ट लाइक एनी अदर अनुभव पर ये मैं हूं तो अब तो बस पकड़ के बैठ जाऊंगी मुझे यही अनुभव चाहिए जब तक ये नहीं है तब तक मैं ठीक नहीं हूं तो अनुभव तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अनुभव तो सत्युग में भी सब कुछ कर रही है सारा मैटर को माइंड को सबको अनुभव कर रही है आत्मा रही है। सब कुछ अनुभव प्रॉब्लम नहीं है मैं अनुभव हूं प्रॉब्लम ये है और ये बोल कर नहीं हो रहे हैं अभी तो बाय डिफॉल्ट ही हम अनुभव का स्वरूप बनकर ही चल रहे हैं जैसे कोई चेंजिंग अनुभवों का स्वरूप हाँ डिवाइड किसी ने बोला डिवाइड द एक्सपीरियंसेस एंड रूल ओवर हाँ ये सेकंड बाय सेकंड का अनुभव अलग अलग है इसको अलग अलग ही रखो इसको एक मत करो <laughs> एक तो सिर्फ आत्मा है कंटिन्यूस फैक्टर इसलिए बाबा बोलते हैं ना चप्ती लगाओ पास्ट हो गया फुल स्टॉप लगाओ नहीं जर, ले जाओ उन फीलिंग्स को नेक्स्ट सेकंड में पर क्या करें बाबा हमारी तो आदत पड़ी भी है भाई अनुभवों को मैं हूं मैं हूं करने की आप बोलते रहो हम तो सुनेंगे नहीं आपकी ये करते हैं हम डंडा मारने की आदत पड़ी हुई है माइंड को अपने आप को ही डंडा मारता है अपने आप के ही बारे में बोलता है अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता है अपने आप को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करता है अपने आप को ही डंडा मारता है फिर दूसरों को भी डंडे मारता है। हाँ तो तो जी तो आप... कंटिन्यूटी कोई होता है बेसिकली कं इसलिए हमने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था याद है ट्रेन स्टेशन पे कितनी सारी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती हैं जाती हैं आती है जाती है कंटिन्यूस फैक्टर ट्रेन नहीं है पर वो इतनी फास्ट आती जाती लगता है कंटिन्यूस है पर चेंजलेस जो पैसेंजर खड़ा है वो कंटिन्यूस है वो स्टिल खड़ा है वो वही ट्रेन लेगा जो राइट ट्रेन लगेगी जो तो ट्रेन सारे थॉट्स हैं कंटिन्यूस आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे. मैं वही ट्रेन पकड़ूंगी वही थॉट को जान दूंगी जो मुझे राइट लग रहा है बाबा के साथ वो मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं अपनी स्टिलनेस में है ना राइट थैंक यू दीदी हाँ जी थैंक यू बाबा ओके शेल वी एंड Yeah. Puja and Rita can call me, you know. Anjali. Om Shanti. Om Shanti.